खुद को इतना काबिल बना लो कि उसे एहसास नहीं पछतावा होना चाहिए। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत नहीं है। आते जरूर है अच्छे लोग जिंदगी में, पर वक्त पर नहीं आते। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं। अगर आपका जमीर और नीयत साफ है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। कितने भी दलदल हो जिंदगी में, अपना पैर जमाए ही रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, पर हमेशा उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वो आपको बेवकूफ समझ लेता है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य का काम समझते हैं, अगर उसी तरह जिंदा लोगों को सहारा देने लगे तो जमाने से दुख यूं ही मिट जाएंगे। जो हमेशा जाने के बहाने ढूंढते हैं, उन्हें रोको मत, बल्कि उन्हें दरवाजे तक छोड़ आना चाहिए। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। दिल में जज्बात और व्यवहार में इज्जत होनी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत चिल्लाने से मोहब्बत नहीं होती। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे, तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है, अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया। जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है, वो हर दिशा से वार करता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। चर्चे हमेशा कामयाबी के हो जरूरी तो नहीं, बर्बादियां भी किसी शख्स को मशहूर कर दिया करती है। अमीर वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा वो चीजें होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। सारी चीजें किस्मत से नहीं मिलती है दोस्तों, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। जो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होने का दावा करते हैं, अक्सर वही लोग हमारी खुशियों में आग लगाने का काम करते हैं। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही जिंदगी से गए हुए लोग वापस आते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जनाब, जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस शख्स के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। शराब पीकर सच बोलने वाले को दुनिया शराबी कहती है, पर चरणामृत पीकर झूठ बोलने वाले को दुनिया भक्त कहती है। मुझे शतरंज पसंद है, क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े
क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कदापि समझाया नहीं जा सकता। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए।